नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज के वीडियो में 9 नस्लों के बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे पहली नस्ल होगी कॉकरेल, इसको क्यों पाला जाता है और इसकी विशेषता क्या है। दूसरी नस्ल होगी कड़कनाथ, इसको क्यों पाला जाता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और बहुत सारी बातें होंगी हर नस्ल के बारे में। हमारी तीसरी नस्ल होगी ब्लैक एस्टोलॉर्प, इसको क्यों पाला जाता है, विशेषताएं क्या हैं। चौथी नस्ल होगी FFG, इसको क्यों पाला जाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। पाँचवीं नस्ल होगी डीपी क्रॉस, को क्यों पाला जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। छठवीं नस्ल होगी RIR, इसको क्यों पाला जाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। सातवीं नस्ल होगी सोनाली, इसको क्यों पाला जाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। आठवीं नस्ल होगी प्योर देसी, इसको क्यों पाला जाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। नौवीं नस्ल होगी असील, इसको क्यों पाला जाता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। और हर नस्ल के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। वीडियो कितना लंबा बनेगा मुझे पता नहीं, चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम चिक्स खरीदते हैं तो किसी डीलर को पेमेंट करते हैं, वो हैच डेट देता है, ट्रेन का नंबर देता है। पैसे जमा करने के 4-5 दिन बाद बताए गए रेलवे स्टेशन तक हमारा चिक्स आता है, मगर हमें यह पता नहीं होता है कि यह कौन सी नस्ल का बच्चा है। मगर बहुत सारी नस्लों को आप पहचान सकते हैं। जैसे ज़्यादातर जो फार्मिंग की जाती है कॉकरेल की, एक कारण तो यह है कि कॉकरेल एक साथ अगर 5,000 भी पाल लेते हैं तो ये बिक जाता है। और दूसरा, कॉकरेल को सबसे ज़्यादा पाला जाता है कि शहरों में खेलने के लिए बच्चों को ये दिला देते हैं कि 10 रुपये का के एक बच्चा दिला दो, 200 रुपये का खिलौना बच्चों को दिलाएंगे तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। मगर कुदरत ने बनाया हुए खिलौने को, जो कॉकरेल के रंगीन बच्चे होते हैं, इसको ऐसा बनाया है कि 2 दिन तक बच्चे आराम से इसको खेल सकते हैं, क्योंकि कलर होते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए ज़्यादा बेचा जाता है। और बहुत सारे नए फार्मर ट्रायल करने के लिए, पालना सीखना है तो यही बच्चा ले लेते हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ता मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कॉकरेल को पालने की विशेषताओं पर। सबसे पहली विशेषता कि इसकी फार्मिंग सबसे ज़्यादा इसलिए की जाती है कि बच्चा एक साथ बिक जाता है। दूसरा कारण यह है कि यह बच्चा बहुत सस्ता मिलता है। तीसरा कारण यह है कि इसकी फार्मिंग फेरी में कलर करके, रंगीन करके बेचने के लिए भी की जाती है। इनके बच्चों को, एक दिन के चूज़े को भी आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इस नस्ल में जितनी सफ़ेदी आती है वह किसी नस्ल में नहीं आती है। और जब मुर्गा बड़ा हो जाता है तो इसकी कलगी, जो सर के ऊपर का ताज है और सर के नीचे की लटकन है, वह भी सबसे बड़ी होती है और लाल सुर्ख हुआ करती है। एक दिन की उम्र का चूज़ा 4-5 रुपए में थोक में मिल जाता है और यह एक साथ बिक जाता है। इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि कॉकरेल 85-90 दिन में 1 किलो का हो जाता है और इसी उम्र का ज़्यादा बिकता है। एक साथ बिकने का एक कारण यह है कि जो कटर की दुकान होती है, जहाँ ब्रॉयलर काट के बेचा जाता है, वहाँ आपको कॉकरेल मिलेगा ही, इसलिए एक साथ उठता है। दूसरे नंबर पर था कड़कनाथ। कड़कनाथ के चूज़े को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि वह काले रंग का होता है। तो आप कड़कनाथ के चूज़े को हाथ में उठाएंगे तो नीचे से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे पैर के नाखून बिल्कुल काला मिलेगा, उसके ऊपर पूरा पंख, पूरे शरीर के स्किन में भी कालापन मिलेगा। और बहुत सारी शिकायत यह आई है कि लोग कलर करके बेचते हैं। तो जो भी लोग कड़कनाथ की फार्मिंग करते हैं, अगर पूरी शरीर में भी कोई कलर कर देता है, ब्लैक कलर कर देता है, तो आप कड़कनाथ के चूज़े को आप हाथ में उठाइएगा और उसका मुंह खोल के देखना। सब जगह कलर किया जा सकता है, मगर मुंह के अंदर की जीभ, जबान जिसको कहते हैं, जिससे हम टेस्ट स्वाद लिया करते हैं, उसमें कलर नहीं किया जा सकता। कोई कितने भी कलर कर भी लेगा तो तुरंत छूट जाएगा, क्योंकि मुंह के अंदर की लार ग्रंथियां उसको अलग कर देंगी। तो ये तो हो गई पहचान करने की बात। अभी इसकी फार्मिंग अब कम होने लगी है, पहले बहुत पॉपुलर था और अभी भी पाला जाता है। हार्ट और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अच्छा होता है और इस नस्ल में आयरन प्रोटीन अधिक होता है। थोड़ा सा सिलो बढ़ता है, 4 महीने में सफल फार्मर इसको 1 किलो का करके 700-800 रुपये में मार्केट में बेच
बेचता है। तो ये था भाइयों कड़कनाथ के बारे में। तीसरे नंबर पर है ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प। ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प के चूजे आप देखेंगे तो चोंच के नीचे हल्का व्हाइट स्पॉट आएगा और यह व्हाइट स्पॉट धीरे धीरे खत्म होते जाता है। आप फोटो के माध्यम से देखेंगे तो ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प ऐसा होता है, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया चैनल पे है। थोड़ा सा बड़ा जैसे ही बच्चा होता है ना तो ये वाइट स्पॉट कम होते जाते हैं, कम होते 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 और फिर पूरा ख़त्म हो जाता है। तो कुछ ये एक महीने के बच्चे हैं ये स्क्रीन के सामने जो देख रहे हैं आप, और ये जो वाइट स्पॉट है ये पूरा ख़त्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषता के लिए। ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली नस्ल का खिताब इसको मिला हुआ है। 365 दिन में 364 अंडे देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और आपको पता है कि यह मुर्गी बहुत खूबसूरत दिखती है, पूरी ब्लैक होती है, पैर भूरे होते हैं और मुर्गी भी मुर्गे की तरह दिखती है। इसका सर के ऊपर का ताज बड़ा होता है और उससे बड़ा नीचे की लटकन होती है जो लाल सुर्ख दिखाई देती है। तो ये अंडे वाली नस्ल है, इसको अंडे के लिए पाला जाता है। तो 5 महीने के बाद अंडे लीजिएगा, 365 दिन में 364 अंडे। और रिकॉर्ड बनाना है तो रिकॉर्ड बनाने के लिए वैसा इसका प्रबंधन पालने का तरीका भी होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं जितनी नस्लों के बारे में बता रहा हूँ यह सारी नस्लें 500 ग्राम का वजन होने के बाद आप इनको फ्री रेंज में पाल सकते हैं, फ्री रेंज फार्मिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक लाइन में समझा दूं कि यह सारी नस्लें देसी हैं। और चैनल पर पहले ही देसी की कितनी नस्लें पाई जाती हैं 46 नस्लों के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे है, ये वीडियो देख लीजिएगा। 4 नंबर पर अगली नस्ल है FFG, जिसको डबल FG भी कहते हैं। इसकी और भी नस्लें आ गई हैं, ट्रिपल FG आ गया, 4 FG आ गया और तेज़ी से वेट गेन होने लगा है। मांस के लिए पाले जाने वाली नस्ल है, इसको भी आप 500 ग्राम के बाद फ्री रेंज फार्मिंग कर सकते हैं। यह नस्ल आपको 75 दिन में 2 किलो वज़न गेन कर लेती है, 2 किलो वज़न बढ़ा लेती है। प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, पालने का तरीका अच्छा होना चाहिए। इसकी पूरी कंप्लीट 1 दिन से 85 दिन तक की मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नया चैनल है, वहाँ 1 दिन के चिक से लेके 85 दिन तक ओरिजिनल बड़ा होते तक बेचते तक दिखाया गया है। वहाँ जाके बारीकी से जान सकते हैं और पालने के तरीके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है 5वें स्थान पर है डीपी। ये मेरे फार्म का वीडियो है तो डीपी को बहुत आसानी से आप 3 किलो दाना खिलाकर 90 दिन में 1 किलो प्लस का करके बेच सकते हैं। और ये प्योर देसी की तरह इसमें भी फ्री रेंज फार्मिंग करिए 500 ग्राम के बाद, और बेचने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है, इसको बड़ी आसानी से बिक जाता है क्योंकि इतनी फुर्ती होती है, इतना तेज़ होता है कि ये देखिए ना आप ऊपर चढ़ गया, उसके ऊपर केले के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। 5वें नंबर पर है RIR, जिसको रोड आइसलैंड रेड कहते हैं। यह अंडे देने वाली नस्ल है, इसके भी 5 महीने के बाद आप 250 से 300 अंडे एक साल में ले सकते हैं। और इसकी पहचान ये है कि ये एक ही कलर में आती है और आप देख सकते हैं इसमें मेल मेल अलग मिलता है। मेल मेल अगर आपको लेना है तो ये सस्ता आता है और 50% लेते हैं तो थोड़ा सा महंगा आता है। पैर पीले कलर के होते हैं, इसमें भी 500 ग्राम के बाद फ्री रेंज फार्मिंग कर सकते हैं। ये मेरे पूरे फ्री रेंज एरिए में घूम रही मेरे फार्म की RIR हैं, जो पहले भी बहुत सारे वीडियो में आपने शायद देखा होगा। और मैं अपने फार्म पर ये देखिए सेव बबूल के डगाले टहनियाँ काट के खिला रहा हूँ, उसके बाद केले की टहनियाँ खिला रहा हूँ। तो दोपहर के समय में यह ग्रीन फॉडर हरा चारा खाकर बेहतरीन अपना जीवन बिताती है, मगर इसको अंडे देने के लिए लेयर मैश फीड देना होता है। और अंडे देने से पहले दिन में ग्रीन फॉडर दें, मगर आप सुबह और शाम इनको कुछ मात्रा में दाना दें जिससे सेहत यह इनकी अच्छी बनी रहे और यह अंडे देने के लिए अच्छी तैयार हो सकें। हालांकि ये मेल मेल मैंने पाला था तो मेरे फार्म में आपने देखा होगा ये केले के पत्ते कट करता हुआ, ये मैं हूँ। तो इसकी विशेषता यही है कि यह अंडे देने वाली है और इसका मेल
मेल पालते हैं तो खास चीज़ बता देता हूँ, अगर मेल मेल पालते हैं, मुर्गे मुर्गे पाल के बेचना है तो 56 दिन में बहुत आराम से 1 किलो का मुर्गा हो जाता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। वैसे तो सारी नस्लें खूबसूरत हैं भैया, पालने का तरीका अच्छा होना चाहिए, प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, पालने का तरीका सीखा हुआ होना चाहिए, तो आप जिस नस्ल से जो लेना चाहें वह ले सकते हैं। तो 7वें नंबर पर है सोनाली। सोनाली बहुत ज़्यादा पॉपुलर नस्ल है और बहुत ज़्यादा पाली जाने वाली है, और इसका कारण है सबसे खूबसूरत दिखना और देसी से काफ़ी हद तक मेल खाना। इस नस्ल को सबसे ज़्यादा पाला जाता है मांस के लिए, क्योंकि ये मांस के लिए ही बनी है, मगर बहुत सारे लोग अंडे के लिए भी पालते हैं। देसी का अंडा की तरह अंडा होता है, इसलिए इसको अंडे के लिए पाल लेते हैं और अंडे के पर्पस से पाल के इससे अंडा लेते हैं और मार्केट में अंडा बेचते हैं। और इस नस्ल को भी आप बहुत आसानी से 500 ग्राम प्लस होने के बाद फ्री रेंज में पालिएगा, कचरा खिलाइए, ग्रीन फोडर खिलाइए, अपने दाने का, अपने पेट भरने का जुगाड़ यह नस्ल खुद कर लेती है। यह भी देसी है, सबसे ज़्यादा पाले जाने वाली नस्ल है और अभी सभी राज्यों में इसकी फार्मिंग चरम सीमा पर है। और इसका भी मेल मेल बच्चा अलग मिल जाता है, फीमेल अलग मिल जाता है, 50% के रेशो में ज़्यादातर इसके चिक्स आते हैं। 8वें नंबर पर है प्योर देसी, जिसको कंट्री चिकन कहते हैं। प्योर देसी की विशेषता यह है कि यह अंडे देने के बाद अपने अंडों पर बैठकर चूजा खुद निकालती है, उनको खुद पालती है, और 2 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर अपने से अलग कर देती है, उनको खुद पलने खाने के लिए छोड़ देती है। और ये ब्रूडिंग वगैरह पंख में दबा के खुद करती है, और इस मुर्गी को 300 ग्राम के बाद फ्री रेंज में निकालना चालू कर देते हैं। मगर मेरा मशवरा है कि आप 500 ग्राम से कम वज़न पर ना निकालें, क्योंकि इस मुर्गी में अक्सर ये होता है कौआ उठा के ले गया बच्चों को, चील उठा के ले गया, बाज उठा के ले गया, 15 अंडे दी थी, 12 बच्चे निकाली, 5 उसमें से पाली। अब बात कर लेते हैं प्योर देसी की विशेषता। प्योर देसी की विशेषता ये है कि ये अन्य नस्लों की तरह अंडे देती है, मगर विशेषताओं में मुख्य विशेषता जो कोई छीन नहीं सकता वह अंडे से चूजा निकालना और चूजे को ब्रूडिंग करके बड़ा करना। ये छोटे छोटे किसान 2, 5, 10 पालते हैं उनके लिए ज़्यादा, और कमर्शियल रूप से अगर हम कर रहे हैं, बड़ी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो फिर आप करिएगा। 150 दिन में 1 किलो की होती है और फ्री रेंज में कम खर्च में पाली जाती है। 1100 से 1200 ग्राम में अंडे देने लगती, मगर 1100-1200 तक पहुंचने में जी 150 दिन लगते हैं, तब तक सोनाली के 2 लॉट बेच लेते हैं हम, इसलिए इसकी फार्मिंग बड़े रूप में किसान नहीं करते हैं। तो 9वें नंबर पर है असील। असील भैया शौकीन लोगों की पसंद है और बहुत सारे शौकीन इसको लड़ाने के लिए, फाइट कराने के लिए पालते हैं। जबकि एक चीज़ आपको बता दूं, मुर्गी की फाइट, मुर्गे की फाइट कराना, लड़ाना भारत में वैन है, यह अपराध की श्रेणी में आता है। असील की फार्मिंग बहुत सारी जगह में बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है, और असील पालने वाले, असील के शौकीन, खरीदने वाले भी जानते हैं कि इसका चूजा जो ओरिजिनल है दिखने में कैसा दिखता है, उसकी चोंच लंबी, बॉडी स्ट्रक्चर लंबी, गर्दन लंबी, टांगें, और खरीदने वाला बेचने वाला दोनों जानते हैं कि इसके रेट क्या हैं। और बहुत शौकीन लोग बड़े बड़े महंगे मुर्गे लेकर इसके पाला करते हैं। अब बात कर लेते हैं असील की विशेषताओं पर। तो विशेषताओं में मुख्य यह है कि अगर आप साथ में एक मुर्गी रखते हैं, मुर्गी अंडे देती है, तो यह भी प्योर देसी की तरह प्योर असील की मुर्गी अंडे पर बैठकर चूजा निकाल लेती है और पाल लेती है। दूसरी विशेषता यह है कि इसका महंगा बिकना और खरीदार का महंगा खरीदना, तो शौक बड़ी चीज़ है यार। अंत में बहुत काम की बात, अगर फार्मिंग के आप इच्छुक हैं, फार्मिंग करने का सोच रहे हैं, तो सिर्फ घास और बांस से बना हुआ फार्म भी आप बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। पहला आप फार्म स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी लागत मेरे हिसाब से 1000 रुपये भी नहीं है और इसमें फार्मिंग हो रही है। और घास और बांस से ही बना दूसरा फार्म आपकी स्क्रीन के सामने है, इसमें भी मटेरियल वही है, मगर बनाने वाले ने अपने दिमाग लगाकर इसको खूबसूरती में तब्दील कर दिया है। तो फार्मिंग करने के लिए घास और बांस की आवश्यकता होती है, मनोबल की, इच्छा शक्ति की, और आपके अंदर जज्बा और शौक की ज़रूरत होती है। और फिर अंत में बात आती है जानकारी की, तो जानकारी हमारे चैनल से मिल ही जाएगी। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो बनाया करता हूँ। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।